हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्ट्स के बारे में। तो अपनी लास्ट की वीडियोस में हमने बात करी थी एसिड्स और बेसिस के बारे में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सकें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, मोर अबाउट सोल्ट्स। इन द प्रीवियस सेक्शंस we have seen the formation of salts during various reactions। तो हमने लास्ट की जितने भी वीडियोज़ में देखा है एसिड और बेस की, तो हमने उसमें ये देखा था कि सोल्ट बनता किस तरह से उसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सोल्ट्स, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.13 है, राइट द फॉर्मुलेज ऑफ द सोल्ट्स गिवन बिलो। तो हमें इसमें क्या करना है कि फॉर्मुलेज लिखने हैं। तो मैं लाइन वाइज फॉर्मूला लिख रही हूँ। पोटेशियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला होता है K2SO4। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। एंड नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए सोल्ट्स के, ठीक है। तो सोल्ट्स की जो पहचान होती है उनके पीछे क्या होता है, सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं एक्टिविटी के अंदर कुछ और। नाउ आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सोल्ट्स मे बी ऑब्टेंड, ठीक है। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनमें से कोई भी सोल्ट का। सपोज मैंने ले लिया K2SO4, ठीक है। तो K2SO4 इज़ द सोल्ट, ठीक है। अब हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो एसिड तो आपको सिंपली समझ आ रहा है कि SO4 किस एसिड के पीछे होता है, H2SO4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिड, ठीक है। अब बेस क्या होगा, यहाँ पर के है, के मतलब पोटेशियम। तो पोटेशियम बेस के साथ क्या लगता है, OH, तो क्या हो गया KOH, ठीक है। तो ये हो गया बेस। अब इसके रिएक्शन में मैं आपको लिख के दिखा सकती हूँ कि एसिड प्लस बेस प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो जब हम एसिड H2SO4 लेंगे, ठीक है, और बेस हम लेंगे KOH, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी सोल्ट लेके उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, ठीक है। सोल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl। अब आप कभी भी देखेंगे जैसे कोई भी सोल्ट होता है, मान लो यहाँ पर NaCl है, तो रेडिकल्स का मतलब है उसकी पावर, नेगेटिव रेडिकल्स। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेकआउट करें तो क्या आ जाएगा, Na+, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी सोल्ट बनता है उसके अंदर एक पॉजिटिव होती है पावर, एक क्या होती है, एक नेगेटिव होती है। नेक्स्ट इज Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सोल्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये सारे सोडियम सोल्ट्स की फैमिली है, बिकॉज इसके अंदर क्या लग रहा है, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सोल्ट्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है दोनों में, NaCl और KCl की बात करें तो इसमें क्लोराइड कॉमन है, तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, क्लोराइड फैमिली को, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम कॉमन था, तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे थे, सोडियम सोल्ट्स। नाउ हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सोल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। तो आप इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर, कार्बोनेट की फैमिली है एक, तो सल्फेट फैमिली है, क्लोराइड फैमिली है, नाइट्रेट फैमिली है, ठीक है। तो ये फैमिलीज इसके अंदर है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस पे, पीएच ऑफ सोल्ट्स, ठीक है। अब पीएच किस तरह से बताएंगे, एक्टिविटी 2.14 है, कलेक्ट द फॉलोइंग सोल्ट सैंपल्स दैट इज सोडियम क्लोराइड, मैं फॉर्मूलेज लिखती जा रही हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3, अल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम एसीटेट CH3COONA, नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट दैट इज NA2CO3,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूलेज लिख ली हैं। नाउ चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। अब क्या करना होगा, इन सोल्ट्स को लेकर हमें पानी में डालना होगा कि कौन से जो है सॉल्युबल हैं, कौन से मिक्स हो रहे हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं। सो चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग अ pH पेपर। ओके, विच ऑफ द सोल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रियल। जो है डिटेल में आप पढ़ेंगे कि एसिडिक सोल्ट कौन सा होता है, उसका पीएच क्या होता है, बेसिक सोल्ट कौन सा होता है या न्यूट्रल सोल्ट कौन सा होता है, उनका पीएच क्या होता है। तो पीएच के अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। सो आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सोल्ट। नाउ रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो न्यूट्रल सोल्ट है वो किससे मिलके बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, तो बन गया न्यूट्रल सोल्ट और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पीएच की 7। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है, ऑन द अदर हैंड सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब क्या हो गया, एसिड तो स्ट्रॉन्ग हो गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह, वीक बेस, और जो इसकी पीएच वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी, और लेस देन 7 का मतलब वो क्या हो गया, एसिडिक सोल्ट। ठीक है, क्योंकि हम पीएच स्केल में पढ़ चुके हैं कि पीएच की जो रेंज होती है वो 0 से 14 तक होती है, लेस देन 7 वाले एसिडिक होते हैं और ग्रेटर देन 7 वाले बेसिक होते हैं और 7 वाला न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस देन 7 वाला एसिडिक सोल्ट। नेक्स्ट लास्ट वन इज एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिक सोल्ट। ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7 और हो जाएगा बेसिक सोल्ट। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है आपको ध्यान रखनी है कि किस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, किस केस में स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, कहाँ वीक एसिड आएगा, कहाँ वीक बेस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम पीएच वैल्यूज की डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल है हम एक बार फिल कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर तीन केस ही बनेंगे, एक तो जिसमें आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट जो है लिख रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा HCl और स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सोल्ट बनेगा बनेगा NaCl और उसका जो पीएच होएगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, दैट इज 7। ठीक है, तो एक केस ये हो गया और नेक्स्ट केस है जिसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप HCl ही रख सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर लेना है वीक बेस, तो वीक बेस होता है NH4OH। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पीएच हो जाएगा, पीएच इसका होगा लेस देन 7 और ये हो जाएगा एसिडिक सोल्ट, और इसमें जो बनेगा सोल्ट वो बनेगा NH4Cl। ठीक है, और लास्ट केस यहाँ पे जो होगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस केस जो होगा जिसके अंदर हमें लेना है, लास्ट केस जहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH और वीक एसिड क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले सकते हैं H2SO3, H2CO3, तो मैं यहाँ ले रही हूँ H2CO3। ठीक है, तो H2CO3 मतलब होता है कार्बोनिक एसिड, ये बहुत ही वीक एसिड होता है। अब इससे जो सोल्ट बनेगा वो बनेगा Na2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड CO3 पीछे है तो बन जाएगा सोल्ट कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, तो ये जो सोल्ट हो जाएगा वो होगा बेसिक सोल्ट। ठीक है, तो ये टेबल इस तरह से फिल करनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि फैमिली ऑफ सोल्ट्स के बारे में और पीएच क्या होता है सोल्ट्स का, किस तरह से डिसाइड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।